thank mm -hmm. you अपडेट्स लेकर के हमारे आसपास आजकल क्या हो रहा है और क्या क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं तो उस पर हम बात करेंगे अच्छा एक और बात आपने नोटिस की है कि ये जो साल स्टार्ट हुआ है टू के स्टार्ट से लेकर ही कुछ अजीब सा साल रहा है अगर आपको फील हो मुझे तो ये फील होता है मेरा तो यही ओपिनियन सिक्स मंथ गुजर चुके हैं एक चीज़ दुनिया से खत्म ही नहीं होती तो दूसरी ऑलरेडी अटैक करती है तो ये क्यों है आई डोंट नो इसका शायद किसी के पास जवाब नहीं है कि ये इतना साल अजीब सा क्यों रहा है तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे चल कर ये जो सिक्स मंथ है वो होप्स हो खुशियाँ लेकर आए हो हर कोई खुश रहे हो हर किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ खुशियाँ आएँ ओके जी सो पहले हम बात करेंगे करोना क्योंकि लोग काफ़ी समझ रहे हैं कि करोना चला गया है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है करोना बिल्कुल है और पाकिस्तान का जो शहर है लाहौर उसमें से रेंडमली टेस्ट किए गए थे तो उसमें यही पता चला है कि छः लाख सत्तर हजार लोग पॉजिटिव निकले हैं सो so, इसका मतलब ये कि लाहौर डेंजर जोन में है सो so, आप प्लीज़ एहतियात करें और अगर आप करंट अफेयर्स देखते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक मदर आई थी उसने वो बोल रही थी कि मेरा बेटा बिल्कुल सही था लॉकडाउन के दौरान ईद पे सिर्फ दो घंटे वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने गया और वहाँ से आया तो उसको फीवर हुआ और दो दिन में उसकी डेथ हो गई सो so, इसके उसका बताने का मतलब यही था कि प्लीज़ आप एहतियात करें और ये पहले हम सोचते थे कि करोना सिर्फ़ बूढ़े लोगों को लगता है या जिनको ब्लड प्रेशर होता है या जिनको शुगर होती है या जो बीमार होते हैं तो उन लोगों को लगता है लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है कि सिर्फ़ वो उन लोगों को लगता है वो किसी पर भी अटैक कर सकता है बच्चे हो बूढ़े हो जवान हो या कोई भी हो सो प्लीज़ घर पे रहें एहतियात करें अब लॉकडाउन तो खुल चुका है कल मैंने सुना कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी खुल चुकी है so, सो बहुत ज़्यादा एहतियात करें जब आपका कोई काम हो तो आप बाहर जाएं, अदरवाइज़ घर पे ही रहें। ओके okay जी सो so, मेरा नेक्स्ट जो अपडेट है वो है आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में शहर सब्सवारी की शादी आ, उस पर उसको गालियाँ मिल रही हैं उस पर उसको बहुत कुछ ज़्यादा बोला जा रहा है उसकी फैमिली पे उसकी पहली शादी पे और मतलब बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में सो so, अगर आप मुझसे पूछेंगे या अगर आप मेरा ओपिनियन लेंगे तो जब आप टीवी में या जब आप एक्टर बन जाते हैं तो इट मीन्स आप पब्लिक फिगर बन जाते हैं और जब आप पब्लिक फिगर बन जाते हैं तो आपका पब्लिक के साथ एक कनेक्शन बन जाता है और जब एक आपका कनेक्शन बन जाता है तो आपको जवाब देना ही पड़ता है फिर कोई भी पर्सनल लाइफ नहीं होती कोई भी प्रोफेशनल लाइफ नहीं होती आप बिल्कुल ओपन होते हैं आप बिल्कुल उनके आ, आ, रोल मॉडल बन जाते हैं आपका उनके साथ इतना कनेक्शन हो जाता है कि रोज आठ बजे नौ बजे या डेली किसी भी टाइम आप उनके घर पे आते हैं टीवी के थ्रू तो इट मींस आपका उनके साथ एक कनेक्शन एक कनेक्शन बनी जाता है अब जो इनकी वीडियोस आ रही हैं वो जो सारा कुछ वो मतलब लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह हमारी शादी हुई किस तरह हमारी शादी टूटी वगैरह वगैरह वो ये वीडियोस पहले रिलीज़ करता तो लोगों को पता चल चल जाता लोगों को आ, बता देता कि मैं ये नेक्स्ट स्टेप करने वाला हूँ या हमारी शादी क्यों टूटी या मैं जो दूसरी शादी कर रहा हूँ तो वो किस वजह से कर रहा हूँ या कब हम मिले थे वो सारी बातें जो ये अभी कर रहे हैं वो पहले करते और लोगों को कर करते अभी आप बस ये कह रहे हैं कि आ, ये मेरी पर्सनल लाइफ है वगैरह वगैरह आप कुछ नहीं बोल सकते ये नहीं कर सकते तो ऐसा नहीं हो सकता ना आपका लोगों के साथ एक है, कनेक्शन है, सो ऐसा बिल्कुल इन लोगों को आ, होता है कि भाई आपकी लाइफ में ये क्यों हुआ और आपने ये क्यों किया हमें आप जवाब दें तो बस आप थोड़ा हाँ ये है कि जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहे हैं उनकी फैमिली को या ये तो वो गालियाँ ना दें हाँ ये सिंपल सा आप पूछ सकते हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों किया आपने क्यों छोड़ा ये कुछ आप पूछ सकते हैं ये आपका राइट है पब्लिक तो जी सो हम अब बात कर रहे हैं इससे पहले जो एक ट्रेंड चला था उजमा खान का मुझे मैं जब वो देख रही थी वो सुन रही थी उनकी न्यूज़ तो मुझे उस टाइम सिर्फ चंद बातें जहन में आ रही थी कि वो बड़े चैनल कहाँ हैं वो बड़े एंकर्स कहाँ हैं जो हुकूमत की इतनी सी छोटी बात पर एक एक दो दो घंटों का प्रोग्राम करते हैं एक एक दो दो घंटों का करंट अफेयर्स का प्रोग्राम कर लेते हैं इतनी सी बात थी लेकिन ये इतना बड़ा इशू चल रहा था हमारे मुल्क में लेकिन उस पर किसी ने कुछ भी बात नहीं की क्योंकि जो दूसरी पार्टी है वो इतनी ताकतवर है कि उसके आगे कोई भी नहीं बोल सकता इसका मतलब है जिसके ऊपर आपकी चलती है आप उस पर चलाते हैं जिसके ऊपर आपकी नहीं चलती तो उसके ऊपर आपने कोई एक कमेंट्स भी किसी ने नहीं दिया है और जो जो लोग घरों में जाकर इंसाफ लाते हैं बड़े बड़े चैनलों पे इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम करते हैं लोग उनको अपना रोल मॉडल कहते हैं लोग उनको फॉलो करते हैं कि ये इतना अच्छा है आज के दौर में इतनी अच्छाई से और सच्चाई से काम करते हैं वो लोग भी नहीं हैं वो लोग कहाँ हैं उन लोगों ने भी कोई इस इशू को नहीं उठाया बिकॉज ऑफ जो अदर पार्टी है उस वजह से कि वो इतनी ताकतवर है तो क्या हमारे मुल्क पाकिस्तान में इंसाफ सबके लिए एक नहीं होना चाहिए अमेरिका में करोना वायरस का अभी जोर टूटा भी नहीं था तो एक और इशू हो गया है वहाँ पे। अभी दो महीनों के बाद सब चीज़ें ओपन होना शुरू हो गई थी तो अगेन पच्चीस या छब्बीस शहरों में कर्फ्यू हो गया है फिर वो सारी चीज़ें बंद हो गई है और ये क्यों हुआ है अगर किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात अगर किसी को नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ कि ये इशू हुआ क्यों है एक्चुअली हुआ क्या है कि अमेरिका के एक सिया फार्म ने एक छोटी मोटी जालसाजी की थी उसका कसूर इतना ही था कि उसने छोटी मोटी सी एक जालसाजी की थी और उसको एक गोरे ने गोरे अमेरिकन ने ज़मीन पर लेटा कर उसके ऊपर अपना घुटना रख कर उसको ज़ोर दिया और उसकी सांस बंद हो गई और वो वहीं पर मर गया इसका मतलब है कि अमरीका में अभी भी नस्ल परस्ती उरूज पर है और अभी भी वो स्या फार्म लोगों को तजलील का निशाना बनाते हैं तो उस वजह से लोग फूट पड़े हैं उस वजह से ये इशू हो गया है उस वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कर्फ्यू हो गया है और सब कुछ वही बंद हो गया है अभी देखें कोरोना वायरस का जोर टूटा ही नहीं था अमरीका में तो ये एक और ये अमरीका में जो नस्ल पर, परस्ती है ये कोई नई बात नहीं है एक दौर होता था जब ये स्या फार्म बसेस में बैठे होते थे और कोई गोरा आता था तो उनको अपनी सीट खाली करना पड़ती थी अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी और इनका बेसिक पता चलेगा कि ये एक्चुअली कब से कब से हो रहा है लेकिन हैरत की बात यह है कि आज की तरक्याफ्तार दौर में भी ये चीज़ें बिल्कुल कंटिन्यू चल रही हैं जी सो so, आप दे मुझे इजाज़त ये कुछ चीज़ें थी लेटेस्ट अपडेट्स थी जो मुझे मैंने आप तक पहुँचाई और मैंने अपना ओपिनियन uh, भी दिया कि मेरे ओपिनियन क्या है आपका ओपिनियन क्या है प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप क्या सोचते हैं अगर मेरी ये वीडियो लाइक शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा सो so, अब अगले वीलॉग तक मुझे इजाजत दें अल्लाह